मेरे पति 3 साल से बाहर हैं, राजेंद्र सिंह चौहान। हम ब्यावर के रहने वाले हैं। हमें वहाँ उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं और रहने की सुविधा नहीं है। उनको वापस राजस्थान बुलाएं कैसे भी कैसे करके। एजेंट के द्वारा गए थे और वो मालिक, कंपनी का मालिक है जो छोड़ के भाग गया। वहाँ से 3 महीने हो गए और मकान मालिक घर से बाहर निकालने को तुला है और उनको तनख्वाह भी नहीं दी 3 महीने से। हम पर हम परेशान हो रहे हैं। हम बात होती है कभी कभार हो जाती है। क्या कह रहे हैं? बोले मकान मालिक भाग गया और बोले घर से बाहर निकालो उनको। कितने लोग हो गए उनके साथ? उनके 40-50 जने हैं उनके साथ। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? क्या कहना चाहते हो बस यही दरख्वास्त है उनसे कि उनको सही सलामत यहाँ पे राजी खुशी राजस्थान बुला दे। आपका नाम? आपका नाम सुनीता। क्या नाम है आपके पति का? राजेंद्र सिंह चौहान। आज सर्वदम जागृति एकता मंच के बिना चले हम आज एक जो पीड़ित है राजेंद्र सिंह को, तो छोटो सिंह ब्यावर का रहने वाला निवासी है, उनकी पत्नी के साथ हम यहाँ आए। ये जो राजेंद्र सिंह है पिछले 3 वर्षों से दुबई में काम करता है और जो उदयपुर के रहने वाले हैं कोई विनय राव और हिना राव, उनकी कंपनी है उदयपुर में, जो पिछले 4 महीनों से दुबई से फरार होते हैं और इसको अकेला छोड़ दिया है। इसके साथ कम से कम 25 से 30 और लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। इस राजेंद्र सिंह का वहाँ वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है और जहाँ ये रह रहा है उसका ना उसके पास किराया है और ना उसको तनख्वाह दी गई है। अब उसके पास वो आने में सक्षम नहीं है। इसी दरख्वास्त के साथ हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि वह कैसे ना कैसे करके और भारतीय मतलब विदेशी मंत्रियों से बात करके इस सहकुशल इसको बुला ले। अभी हम इसके साथ से मिल रहे हैं और यही कार्रवाई चाहते हैं कि हम इसको कैसे बुला लें। हमने जो सांसद है हमारे जो भागीरथ चौधरी, उनसे भी मांग की है कि इसको कैसे ना कैसे यहाँ बुलाए जिससे ये अपने परिवार के साथ रह सके। मैं इमराज खारोलिया,